साथ ही साथ हम पहुंचेंगे इसके बाद वेगेटर बीच और हिल व्यू पॉइंट। वेगेटर का एक हिल व्यू पॉइंट है जहाँ से वेगेटर बीच दिखता है और बहुत प्यारा लगता है। और ये मार्केट लगी हुई है इसकी, ये देखिए यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, खाने पीने का भी, शॉपिंग भी है। ये देखिए यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सूरज ज्यादा और वहाँ कंप्लीट अच्छा प्यारा सनसेट दिखेगा इसके आगे। ये कंप्लीट बीच कितना प्यारा लग रहा है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, नीचे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी मैं देख पा रहा हूँ। यू कैन हैव अ सीट, यू कैन चिल, खाना पीना बियर टिक्के शिक्के सब चल सकता है। वीरे हमने आप लोगों के लिए प्राइस पता कर लिया, अगर आप करना चाहें 900 रुपीज पर पर्सन लगेंगे इसको करने के लिए। एंजॉयमेंट पूरी है, वैसे गोवा आए हैं तो हर बीच में एंजॉयमेंट तो हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरह। सो वी आर फाइनली एट वेगेटर हिल व्यू पॉइंट। बिल्कुल ठीक हम पहुंच गए हैं हिल व्यू पॉइंट पर और यहां से दिखेगा हमें व्यू। मैं आपको व्यू दिखाता हूं थोड़ा सा यहीं से। देखिए यहां से आना है, पार्किंग हमने लगा दी थी पीछे, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने पार्किंग लगा दी है और यहां से हम आगे आएंगे तो आपको यहां से ये व्यू दिखेगा सारा कम्प्लीट। समुंदर तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा आपको, और लेफ्ट साइड में वो पहाड़, उसके नीचे वो बीच। चलते हैं वहाँ पर एक तरफ, पहले वहाँ से दिखाते हैं। राइट साइड में ना कि सनसेट का टाइम हो रखा है तो धूप सूरज ज़्यादा नीचे आए हुए बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो जब मैं इधर कर रहा हूँ कैमरा, तो उसके लिए अपोलोजीज, टाइम ही ऐसा है। लेकिन क्या करें, आप सब आपके लोगों के लिए सब कुछ शूट करना है हमें, तो इधर हम आ जाते हैं। तो इधर से ये व्यू इधर देखते हैं, थोड़ा क्लियर व्यू है यहाँ से। ये है वेगेटर बीच, बिल्कुल ठीक दोनों तरफ वेगेटर बीच है इसके, राइट में भी लेफ्ट में भी। ये लेफ्ट वाला है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है नीचे पत्थर, क्या बात है, ये कितना बढ़िया लग रहा है, ये ग्रीन एकदम से पानी बहुत ही प्यारा, अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से। आप यहाँ फोटोज़ ले सकते हैं, वहाँ दूर पैरासेलिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं वेगेटर पे और होटल्स भी हैं बहुत प्रीमियम, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। चलते हैं उस तरफ। आप यहाँ पे सनसेट देखने भी आ सकते हैं, आप यहाँ से सनसेट का नज़ारा ले सकते हैं। आप मतलब यहाँ पहुँचिए, लगभग 5:30 कह रहा हूँ, 6 बजे गोवा में सनसेट हो जाता है दिसंबर में, तो आप यहाँ से सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं अगर मौसम साफ है। ये देखिए मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ बिल्कुल क्लियर सनसेट दिखेगा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देखिए सूरज ज़्यादा, और वहाँ कम्प्लीट अच्छा प्यारा सनसेट दिखेगा इसके आगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया लुक। चलते हैं पार्किंग की तरफ वापस, मैं आपको दिखाते हैं उस तरफ जो बीच है जो पार्किंग के आगे दिख रहा है। ये यहाँ पर आपको पार्किंग से आगे आना होगा क्योंकि पार्किंग स्कूटी वहीं तक होती है, वहाँ से आप आगे आके आपको ये दिख जाएगा सारा व्यू जो मैंने आपको अभी दिखाया जस्ट। अभी चलते हैं उस तरफ थोड़ा सा, वहाँ मतलब कि पार्किंग के लेफ्ट वो राइट साइड में जब आप आएंगे तो ये सीधा है सामने टी पॉइंट पे, ये बीच मिल जाएगा आपको। यहाँ आपको खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा, आइसक्रीम भी है, गर्मी पड़ रही है तो आप आइसक्रीम इंजॉय कर सकते हैं। ये एक मील कार्ट है और बीच में ये स्टैचू बना हुआ है, बहुत बढ़िया। कार पार्किंग बहुत अवेलेबल है, आप इजीली कार यहाँ तक ले जा सकते हैं अपनी, स्कूटीज भी, हमारी स्कूटी बोरी। फोटोग्राफी करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन है। चबोरा फोर्ट दिखाता हूँ यहाँ से, चबोरा फोर्ट भी दिख रहा है जहाँ पे अभी हम थे और कहाँ से हम अभी आए हैं, अभी पहुँचते हैं। थोड़ी गर्मी कम हो रही है क्योंकि अब टाइम और होता जा रहा है, तो अब थोड़ी गर्मी और कम होती जाएगी। ये देखिए यहाँ से व्यू, ये व्यू है यहाँ इस बीच का, ये कंप्लीट बीच कितना प्यारा लग रहा है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, नीचे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी मैं देख पा रहा हूँ, वो देखिए वाटर एक्टिविटीज़ दिख रही है। और वहाँ ऊपर वो है चबोरा फोर्ट जहाँ पे हम थे, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, वो सामने लाइटिंग चल रही है, वहाँ पार्टी चल रही है। हम वहाँ चबोरा फोर्ट के कोने पर थे जहाँ से हमें गानों की आवाज़ आ रही थी जो मैं आपको बता रहा था। तो हम अभी यहाँ से नीचे जाएंगे और इस बीच पर जाएंगे, इस बीच को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे बीच कैसा है। फिलहाल यहाँ से इन बीचेस को देख के ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम पहले थे, मतलब कि हमारी पिछली वीडियो में जिन बीचेस को हमने एक्सप्लोर किया वो बीचेस बहुत अच्छे थे इनके मुकाबले। लेकिन ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्या सिस्टम है, कैसा है बीच ये, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए रिव्यू यही था, और व्यू बहुत प्यारा, इन्जॉय दिस व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं नीचे बीच पे, मिलते हैं आपको सीधा नीचे। वेगेटर हिल व्यू से हम नीचे उतर आए हैं और हम आ गए हैं वेगेटर बीच पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बीच, ये देखिए वेगेटर बीच, वाटर स्पोर्ट्स का बोर्ड लगा हुआ है और ये वेगेटर बीच है कंप्लीट। आगे वहाँ स्टार्टिंग में एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा शिव जी का,
और ये है कंप्लीट बीच। चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं। मैं जब एक बार आया था तो मैं बारिश के मौसम में आया था, तब यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। मतलब मेरे को याद है कि मंदिर कंप्लीट ढका हुआ था, और ये देखिए पानी कहाँ तक है और ये मंदिर कहाँ तक है। बहुत ही शानदार बीच लग रहा है मेरे को, पार्टी वाइब्स आ रही है, गाने चल रहे हैं पीछे, देखिए वहाँ पे गाने चल रहे हैं। आप यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, यू कैन हैव अ सीट, यू कैन चिल, खाना पीना बियर टिक्के शिक्के सब चल सकता है वीरे, टिक्के शिक्के दारू, पार्टी का फुल माहौल जमा हुआ है यहाँ वेगेटर बीच पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वो देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, डेट इज पैरा सेलिंग, वाटर पैरा सेलिंग। और हमने आप लोगों के लिए प्राइस पता कर लिया, अगर आप करना चाहें 900 रुपीज पर पर्सन लगेंगे इसको करने के लिए। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, उसमें आपको टाई कर देंगे और फिर बोट से आपको आगे ले जाएंगे पूरा हवा में ऊपर तक। अगर आप वाटर डिप चाहते हैं तो वाटर डिप भी देंगे। 900 में सब कुछ है, आप बार्गेन कर सकते हैं, वो 600 अराउंड में हो जाता है। 900 ये बोल रहे हैं, हमने बार्गेन किया तो 700 बोल रहे थे, लेकिन हाँ खाली रहेगा, जैसे अभी खाली था तो 700 बोल दिया, थोड़ा और बार्गेन करेंगे तो 600 में हो जाएगा। लेकिन आप ये बीच को देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये बीच वाइब बहुत अच्छी है इस बीच की भी। बीच साफ सुथरा कह सकते हैं, माइल्डली साफ सुथरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और ठीक ठीक है। पानी में मिट्टी है काफ़ी, बाकी यहाँ भी फॉरेनर्स थोड़े बहुत अवेलेबल हैं, ज़्यादा नहीं है, इंडियन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर्स। फॉरेनर्स की तादाद 1-2% जिनी चुनी, बाकी हाँ पार्टी वाइज पूरी आ रही है। रात को मुझे लग रहा है फन मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे अंधेरा होगा। और यहाँ से मेरे को वहाँ पार्टी दिख रहा है, वहाँ पे वो प्राइवेट पार्टी है, वहाँ पे दूर वो जो वाइट झंडा दिख रहा है वो प्राइवेट प्लेस है पार्टी के लिए। सही है, सही मज़ा आ रहा है यहाँ भी, इंजॉयमेंट पूरी है। वैसे गोवा आए हैं तो हर बीच में इंजॉयमेंट तो हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरह। पार्टी प्लेस हर जगह मिल जाएगी, शैक्स मिल जाएंगे, खाना पीना मिल जाएगा, चिल मोमेंट्स मिल जाएंगी, बस कहीं ज़्यादा कहीं कम इतना ही फ़र्क है। बाकी गोवा में पार्टी करने तो आते हैं, बाकी लोग दारू पीने भी आते हैं दारू पीने, पार्टी करने, इंजॉय करने, चिल करने, दोस्तों के साथ तो और ज़्यादा फन आता है। ठीक है, हम भी मज़ा कर रहे हैं, हनीमून प्लेस भी है, लोग हनीमून पे भी आते हैं, फर्स्ट हनीमून, सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, हम सेकंड हनीमून पे आए हैं फिलहाल। लेकिन हाँ मज़ा बहुत आ रहा है। हाँ, इस तरफ आपको थोड़े से रॉक्स मिल जाएंगे तो आप इन पे चढ़ के फोटोज़ करा सकते हैं, वो देखिए वहाँ पे वो चढ़े हुए हैं, आप वहाँ जाके भी फोटोज़ करा सकते हैं अपनी, और बहुत अच्छी फोटोज आएंगी वहाँ से, और सनसेट तो आप इन्जॉय कर ही सकते हैं। लगभग लगभग सनसेट का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, 6 बजे सनसेट है, लगभग 1 घंटे में हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आज आपको सनसेट ज़रूर दिखा सकें। प्लानिंग हमारी ऐसी है कुछ कि हम जाएंगे यहाँ से अंजुना बीच को एक्सप्लोर करेंगे, बीच इंजॉय करेंगे, वहाँ पे सनसेट इंजॉय करने का प्लान है हमारा, और साथ ही साथ वहाँ करेंगे पार्टी। बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बताया था वहाँ पे कुछ प्रीमियम क्लब्स है, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं, शैक्स बने हुए हैं जिसमें हम पार्टी कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा पार्टी करने में। तो चलते हैं यहाँ से निकल के सीधा अंजुना बीच पे, मिलते हैं आपको अंजुना बीच की मार्केट में।